प्रभास द डायनासोर की मॉन्स्टर फिल्म कल्कि 2898 AD जिसने रिलीज होते ही बता दिया था कि बाकी मूवीज से इसको कंपेयर करना किसी बेइज्जती से कम नहीं होगा। एक तरफ जहां फ्यूचर का सिनेमा तो दूसरी तरफ हजारों सालों पीछे की हिस्ट्री महाभारत का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाना और दोनों के बीच में सिर्फ एक ही बाहुबली प्रभास। और वो कहावत जो हर कोई भूल चुका है लिटरली कॉन्टेंट इज द किंग, वो कहावत सच हो रही है क्योंकि कल्कि 2898 का आज है 27वां दिन और फिल्म का कलेक्शन 1100 करोड़ के मार्क के आसपास आ चुका है। पर हर कोई बस एक ही बात बोल रहा है कि भाई कल्कि 2898 AD जितना भी ट्राई कर ले वो बाहुबली 2 के 1800 करोड़ के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगी। और ये बात शायद कल्कि के डायरेक्टर को बहुत ही बुरा चुभा है क्योंकि कल्कि के डायरेक्टर ने कुछ ऐसा बोला है अपने एक इंटरव्यू में जो कि बड़े से बड़े रिकॉर्ड को और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को बहुत ही आराम से चकनाचूर करके छोड़ देगी। तो वो स्टेटमेंट क्या है, वो रीजन क्या है जिस वजह से बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बहुत ही आराम से बीट कर लेगी कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी, आइए इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। तो यार देखो भाई, सबसे पहले मेकर्स ने हमें बोला कि इस मूवी का 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुका है और जो मेजर एक्शन सीक्वेंसेस हैं जिस पे हाई लेवल का VFX एंड CGI यूज होने वाला है उस सीन को बस शूट करना बाकी है और ये मूवी आपको बहुत ही जल्दी 2 साल के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी जो मेकर्स का प्लान है, डायरेक्टर का जो विजन है, उसको देखते हुए आप सोच लो कि भाई इस मूवी को आप 3 साल से पहले तो देख ही नहीं पाओगे क्योंकि भाई इस बार मूवी के डायरेक्टर ने कुछ ऐसा प्लान किया है, कुछ ऐसा स्टोरी लाइन डाला है ना जिसके विजन और जिसके कलेक्शन के सामने SS राजामौली की मूवी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड कोई छोटी मोटी बात होने वाली है। मतलब समझ लो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड कल्कि 2 बहुत ही आराम से बीट करने वाली है। मान लो जैसे कि आप रस्ते में किसी को हाय बोल के चले जाओ, जैसे कि एक इग्नोर, वैसा प्लान, वैसा स्टोरी लाइन और वैसे विजन के साथ इस मूवी के डायरेक्टर ने कुछ चेंजेस किया है जिसके चलते इस मूवी को आप 2027 या फिर 2028 में ही देख पाओगे। तो वो क्या क्या रीजन है जिस वजह से कल्कि मूवी के मेकर्स इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुके हैं उस बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई कल्कि मूवी में जो हमें कॉम्प्लेक्स दिखाया गया था वो बस एक ही कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है बल्कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल और उससे कई गुना ज्यादा बड़ा टोटल 7 कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं इस यूनिवर्स में, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। भाई साहब लिटरली 7 कॉम्प्लेक्स, आप सोच पा रहे हो टोटल 7 कॉम्प्लेक्स। भाई एक कॉम्प्लेक्स को दिखाने में इनको इतना ज्यादा वक्त लग गया, इतना ज्यादा दिमाग खर्चा हुआ। तो भाई सोचो जब मेकर्स, जब डायरेक्टर इसके 7 कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करेंगे, उसके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को लिखेंगे तो कितना ही ज्यादा टाइम और कितना ही ज्यादा डिटेलिंग पे उनको काम करना पड़ेगा। हम तो भाई बस एक कॉम्प्लेक्स को देख के इतना ज्यादा शॉक्ड, इतना ज्यादा वाओ फील कर रहे थे। तो भाई सोचो जब टोटल के टोटल 7 कॉम्प्लेक्स को दिखाया जाएगा, उनके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा, उनके बारे में थ्योरीज बनाया जाएगा और जब हम उसको थिएटर में देखेंगे तो भाई क्या ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इस एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें कितना कुछ देखने को मिल गया, कितना ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल का टेक्नोलॉजी, साइंस, हवा, पानी, खाना पीना से लेके सब कुछ हमें देखने को मिल गया, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और ये कॉम्प्लेक्स कितना ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अभी तो और 6 कॉम्प्लेक्स आना बाकी है, तो सोच लो भाई उसमें हमें कितना ही ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिलेंगी, कितना ज्यादा वहां पे साइंस डेवलप हो गया होगा और वो 6 कॉम्प्लेक्स अपने अपने अंडर में कितना ही ज्यादा पावरफुल होंगे इस कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करेंगे तो। और साथ ही साथ जैसे हमें मूवी में बताया गया है कि पूरे दुनिया में बस काशी ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लाइफ जिंदा है। पर भाई हमें तो कल्कि 2 में और 6 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलने वाले हैं तो भाई उनको भी रूल करने के लिए तो भाई कोई चाहिए ही ना, उनको भी तो भाई काशी के जैसे एक जगह चाहिए जहाँ पे वो रूल कर सके, जहाँ पे वो अत्याचार कर सके, जहाँ पे उनको लोग मिले एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। तो भाई काशी के अलावा भी और भी ऐसे देश हैं, और भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग रहते हैं। तो भाई हमें आगे चल के कल्कि 2 में काशी के अलावा भी और भी कई सारे जगह देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पे लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जहाँ पे लोग तड़प रहे होंगे, मर रहे होंगे और कॉम्प्लेक्स के लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे होंगे। और गाइस ये पॉइंट कोई रूमर्स नहीं है, इसे खुद डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपने इंटरव्यू में बोला है, इसे कंफर्म किया है जो कि देखने को मिलने भी वाला है। तो इसे भाई ह्यूमर सोच के तो मत ही लेना। तो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अपडेट, जो सबसे बड़ा पॉइंट जो कि कल्कि के डायरेक्टर ने अपने इंटरव्यू में बोला है और इसी एक पॉइंट के चलते बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तो भाई चकनाचूर होने वाला है, ये तो भाई मैं कंफर्म करके ही बोल दे रहा हूँ, अभी से लिख के ले लो। उनका बोलना ये है कि भाई कल्कि मूवी में जो आपको सुप्रीम याश्केन दिखाया गया है जिसे आप लोग कली सोच रहे थे वो एक्चुअली में कली नहीं है, वो कली के प्रभाव में है, कली का इंट्रोड्यूस अभी तक तो नहीं किया गया है। तो भाई आप सोच रहे हो सुप्रीम याश्केन यहाँ पे कली नहीं है, उसे कली इंस्ट्रक्शन दे रहा है,
उसे कली यूज कर रहा है अपनी पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए। वो यूज कर रहा है सुप्रीम यास्कियन का अपने डर को, अपने दबदबा को सारे लोगों के मन में एस्टेब्लिश करने का। और अगर आप लोग मेरे पॉइंट्स को ध्यान देके सुन रहे हो तो गाइस, मैंने अपने पिछले पॉइंट्स में क्या बोला था कि भाई टोटल 7 कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, और एक कॉम्प्लेक्स में तो भाई हमने सुप्रीम यास्कियन को देख लिया है वो कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा डेंजरियस है। तो भाई सोचो, टोटल 7 कॉम्प्लेक्स है, हमें एक कॉम्प्लेक्स दिखा दिया गया है, तो टोटल और 6 कॉम्प्लेक्स बाकी है, तो उनमें किस लेवल का विलेन हमको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसमें हमें और कई सारे सुप्रीम यास्कियन देखने को मिलने वाले हैं जो कि कई गुना ज्यादा पावरफुल और कई गुना ज्यादा अत्याचारी होंगे इस पहले वाले सुप्रीम यास्कियन से, और उनके ऊपर होगा भाई कली। तो भाई सोच लो किस लेवल का तबाही होने वाला है, किस लेवल का स्टोरी लाइन होने वाला है, और किस लेवल का कनेक्शन हमें हजारों साल पहले महाभारत से और हमारे कल्चर से दिखाया जाएगा। क्योंकि भाई पहली मूवी में तो भाई हमें गांडीव धनुष दिखाया गया है, विजय धनुष दिखा दिया गया है, वैरवा दिखा दिया गया है जिसे हम कर्ण का अवतार मान रहे हैं, और ऊपर से भाई अश्वत्थामा भी दिखा दिए गए हैं। तो भाई सोचो टोटल 6 कॉम्प्लेक्स दिखाने वाले हैं, और मेकर्स तो इतना बेवकूफ नहीं है कि भाई 6 के 6 कॉम्प्लेक्स को एक ही मूवी में दिखा दें, वो भी कल्कि 2 में। उनको भी कई सारी मूवीज लगेंगी उन सारे कॉम्प्लेक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनके स्टोरीज को, उनके हिस्ट्री को दिखाने के लिए। तो भाई उन पार्ट्स में, उन मूवीज के अंदर हमें क्या क्या नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी आप सोच के देख लो। और इतना तो कंफर्म है ही कि भाई कल्कि बस 2 पार्ट की मूवी नहीं होने वाली, ये कम से कम 8-9 पार्ट तक तो जाएगी ही जाएगी। क्योंकि भाई मूवी के अंदर आपको 7 कॉम्प्लेक्स को दिखाना है, और अभी तक तो भाई कल्कि भगवान ने जन्म भी नहीं लिया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल्कि पार्ट 2 में वो जन्म लेंगे ही लेंगे। फिर उनके चाइल्डहुड से लेके उनके बड़े होने तक और कलि को मारने तक का जर्नी दिखाया जाएगा, उनके पावर्स को दिखाया जाएगा, उनके गुरुओं को दिखाया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बस एक ही गुरु तो नहीं होने वाले हैं, परशुराम जी। उनको अश्वत्थामा भी ट्रेन करेंगे, उनको वैरवा भी ट्रेन करेंगे, उनको भगवान परशुराम भी ट्रेन करेंगे, और ऊपर से भाई बजरंग बली भी हैं। तो इतने सारे कैरेक्टर को बस 2 ही पार्ट में दिखाना तो भाई वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए भाई कल्कि के मेकर्स को, कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को जैसे भी करके 8-9 पार्ट तो चाहिए ही चाहिए, अपने यूनिवर्स को, अपने स्टोरी को बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्सपेंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, और अपने यूनिवर्स को एक बहुत ही अच्छा टच देके उसको एंड करने के लिए। तो गाइस आप लोग अभी से ही रेडी हो जाओ, क्योंकि भाई आगे आने वाले 10 या 15 सालों में इंडियन सिनेमा का लेवल बहुत ही ज्यादा ऊंचा जाने वाला है, इवन दो भाई हॉलीवुड से भी ऊंचा जाने वाला है। इतना तो भाई मैं अभी से ही लिख के दे दे रहा हूँ। डायरेक्टर और मेकर्स का जो विजन है ना भाई, मैं उस पर पूरा मोह गया हूँ। मैं लिटरली डायरेक्टर का फैन हो गया हूँ। जिस लेवल का वो ट्विस्ट एंड टर्न हमको दिखा रहे हैं और जिस लेवल का अपडेट हमें दे रहे हैं ना भाई, कसम से यार कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स इज गोइंग टू बी ह्यूज डिस्ट्रक्शन फॉर द वर्ल्ड लेवल फिल्म इंडस्ट्री। मुझे तो भाई अभी से ही वो भविष्य दिख रहा है। जैसे हम हॉलीवुड के सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेके हम थ्योरीज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वैसे ही मुझे दिख रहा है कि भाई आने वाले 15 सालों में हॉलीवुड के यूट्यूबर्स, हॉलीवुड के कॉन्टेंट क्रिएटर हमारे सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेके वो थ्योरी बना रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, और जैसे उनके वहाँ पे रेड कार्पेट होता है ना भाई, ऐसे हमारे यहाँ पे भी एक डिस्ट्रक्शन रेड कार्पेट होने वाला है। आगे का फ्यूचर मैंने आपको बता दिया है, बस आपको इस पे बिलीव करना है। और आप लोग कितना इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर बिलीव कर रहे हो, कितना आपको हमारे इंडियन मूवी के अंदर भरोसा है, और आपको डायरेक्टर नाग अश्विन और प्रभास को लेके आपको कितना भरोसा है, वो सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सको। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ इफ यू एक्सप्लेन में।